आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको अच्छी तरह पता है कि भाई अब कल की रिलीज होने जा रही है ओटीटी पर, और इसके ओटीटी पर भी रिलीज होने का उसी तरह से पब्लिक को वेट है जैसा कि थिएटर्स में। अब 22 अगस्त यानी कि परसों ये मूवीज भाई सब नेटफ्लिक्स एंड एमेजॉन प्राइम वीडियो दोनों पर रिलीज होने जा रही है। मैं आपको रिलीज टाइम भी बताने वाला हूं, बट जो मेन हाईलाइट है इस वीडियो की वो है इसके ओटीटी राइट्स की डील। भाई सारे रिकॉर्ड इस ओटीटी डील ने ब्रेक कर दी है मेरा भाई, यानी कि मेकर्स ने ओटीटी डील से इतना कमा लिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। मेकर्स को कल की से जो टोटल प्रॉफिट निकल कर आया है उसकी भी अपडेट आई है, मैं आपको वो भी बताता हूं। एंड प्रभास की लास्ट सालार एंड कल की के हम टोटल ओटीटी राइट्स के डील देखेंगे, और आप शॉक्ड हो जाओगे कि भाई जितना सिर्फ ओटीटी राइट्स की डील से इन दोनों फिल्म्स ने कमाया है ना, उतना फिल्म्स नॉर्मली नहीं कमा पाते मेरा भाई। तो क्या सारा सीन है कंप्लीट देखते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले मैं बात ही ओटीटी राइट्स की डील की करूंगा, उसके बाद हम भाई साहब चलेंगे कल्की के ओटीटी रिलीज टाइम की तरफ। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको यहां पर बताता चलूं, नेटफ्लिक्स पर आएगी हिंदी लैंग्वेज में, तमिल तेलुगु मलयालम यानी कि साउथ लैंग्वेजेस में आएगी अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर। तो नेटफ्लिक्स ने हिंदी राइट्स बाय किए हैं कल्की के 175 करोड़ में। अब भाई साहब अच्छा मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, 175 करोड़ में, और साउथ लैंग्वेजेस में अमेज़न प्राइम वीडियो ने बाय किए हैं 200 करोड़ में, और टोटल हो जाता है 375 करोड़। अब ये डाटा आप सबको याद होगा तो मूवी की रिलीज से पहले मैंने आपको बताया था, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि मैंने सेम टू सेम गाइज इसी तरह बताया था, और तब बहुत से लोगों ने बिलीव नहीं किया था। उसकी एक रीजन भी थी और उनका बिलीव ना करना बनता भी था। क्यों? देखो भाई साहब, नेटफ्लिक्स ने बाय किए 175 करोड़ में, अमेजॉन प्राइम वीडियो ने बाय किए 200 करोड़ में। डील भाई साहब जो भी बड़ी फिल्म हो, जो भी बड़ी फिल्म, स्पेशली आजकल साउथ की जितनी भी बड़ी फिल्म्स आ रही हैं उनके साथ ये चलता है। मेकर्स क्या करते हैं, फिल्म की रिलीज से पहले ही भाई ओटीटी राइट्स को बेच देते हैं, इस कंडीशन पर कि अगर फिल्म भाई साहब थिएटर में एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही तो भाई जिस ओटीटी मतलब कि जिन पेमेंट्स पे भाई साहब ओटीटी डील हुई है फिर वही पेमेंट्स रहेंगी। लेकिन अगर वो फिल्म थिएटर में फ्लॉप हो जाती है तो उसके हाफ में ओटीटी राइट्स सोल होंगे। जैसे अगर कल की थिएटर में ना चल पाती, मान लो ना चल पाती, तो इसके नेटफ्लिक्स ने हिंदी राइट्स 175 करोड़ में बाय किए हैं, इसका हो जाता हाफ। सेम Amazon Prime Video ने 200 करोड़ में बाय किए हैं, इसका हो जाता हाफ, 100 करोड़। यानी कि टोटल 375 करोड़ है ना, तो 375 करोड़ का आप कितना बनता है यार, आप सिंपल लगा लो कि 200 करोड़ में जाते, 200 करोड़ में जाते अगर कल की ना चलती। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, वो फिल्म जो थिएटर्स में नहीं चलती वो ओटीटी पर अच्छा परफॉर्म करती है नो डाउट, लेकिन वो फिल्म जो थिएटर में अच्छा परफॉर्म करती है वो ओटीटी पर उससे डबल परफॉर्म करती है। क्यों? बहुत सी ऐसी ऑडियंस है भाई साहब जो कि ओटीटी पर ही मूवीज को देखती है, डिफरेंट कंट्रीज की बात कर लो, ओवरसीज की बात कर लो, ऐसी कई भाई साहब प्लेसेस है जहां पर पब्लिक ओटीटी पर वेट करती है। तो वो फिल्म जो थिएटर में हिट हुई हो पब्लिक उसको ओटीटी पर देखना भाई साहब बहुत ज्यादा बहुत बहुत पसंद करती है। यार बेस्ट एग्जांपल दो, ट्रिपल आर को देख लो भाई, ट्रिपल आर इतनी थिएटर में रिलीज होने के बाद फेमस नहीं हुई थी जितना ओटीटी पर, जितना नेटफ्लिक्स पर आने के बाद फेमस हुई थी। इवन कि अगर मैं इस साल की बात करूं, अभी महाराजा आई थी, महाराजा कितनी बड़ी भाई साहब ब्लॉकबस्टर बनी है ओटीटी पर नेटफ्लिक्स पर आने के बाद। ऐसी हंड्रेड ऑफ एग्जांपल्स है जो कि गाइस मैं आपको दे सकता हूं। तो 375 करोड़ में सब कल्की के ओटीटी राइट्स की डील हुई है। सालार के ओटीटी राइट्स की डील कितने की हुई थी? सालार के भी ओटीटी राइट्स की डील 300 करोड़ समथिंग की थी, लेकिन फिल्म थिएटर्स में उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाई, जिस वजह से वो डील आई थिंक 200 करोड़ के आसपास आ गई थी, या 175 to 200 करोड़। यार मान लो 200 करोड़ भी आया तो 375 + 200 करोड़ ये 575 बनता है। अगर आप 575 की बजाय सिर्फ 500 करोड़ भी मानो तो प्रभास की लास्ट दो मूवीज की ओटीटी राइट्स की डील ही 500 करोड़ में हुई है मेरा भाई। यानी कि यहां से आप आइडिया लगा लो कि प्रभास की फैन फॉलोइंग किस कदर नेक्स्ट लेवल है। और अभी देखो सालार मेरी बड़ी विश थी कि वो नेटफ्लिक्स पर भाई साहब हिंदी में आए, लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अच्छे प्राइस में भाई साहब वो बाइंग कर ली थी, नेटफ्लिक्स उतनी पेमेंट नहीं
नहीं दे रहा था। और देख लो भाई सब, अभी नेटफ्लिक्स को भी आइडिया हो गया होगा कि भाई प्रभास की क्या डिमांड है। अब सालार डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अभी भी ट्रेंडिंग में है। लास्ट ईयर की जितनी भी मूवीज आई थी, कोई भी बड़ी फिल्म, पठान, जवान, डंकी, सालार, इवन के एनिमल, टाइगर 3, लियो जेलर, कोई भी फिल्म भाई साहब अभी तक ओटीटी पर ट्रेंडिंग में नहीं है या किसी के बारे में बात भी नहीं होती, बहुत कम किसी के बारे में बात होती है। सालार वहां पर ओटीटी पर भाई साहब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ट्रेंड कर रही है, वो भी टॉप 5 में, नॉट टॉप 10। तो सोचो नेटफ्लिक्स पर क्या होने वाला है भाई, क्या होने वाला है असली में। अब गाइज रिकॉर्ड्स बनेंगे और पब्लिक को पता चलेगा, यस कमाल होने वाला है। तो मैं तो गाइज इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। खैर गाइज अब आते हैं जरा रिलीज टाइम पर, तो मैं आपको बताता चलूं, मेकर्स ने तो बोल रखा है 22nd of August को नेटफ्लिक्स पर भी आएगी एंड Amazon प्राइम वीडियो पर भी आएगी, लेकिन कल है 21st of August और कल रात को जैसे ही 12 बजेंगे और 22nd August स्टार्ट होगा, तो भाई इस फिल्म को Netflix प्लस Amazon Prime Video पर रिलीज कर दिया जाएगा। यानी कि 22nd of August दिन के 12 बजे तक आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जो लोग रात को लेट सोते हैं तो उनके लिए तो एक्साइटमेंट, आप रात में ही देख सकते हैं, अदरवाइज जो सुबह उठकर देखना चाहे देख सकता है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। जैसी अच्छा ये रिलीज टाइम मुझे अभी फिलहाल ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, मुझे जैसे ही कंफर्म होगा तो मैं वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन आप में से क्या कोई ऐसा है जो कि कल की के ओटीटी पर आने का बेसब्री के साथ वेट कर रहा हो, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगली आने वाली उम्मीद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो नेगेटिव कर रहे हैं उनको सिनेमा की समझ नहीं है। हॉलीवुड वाले अगर ऐसे लाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर क्यों नहीं बनती है, और अगर हमारे यहाँ पर बनती है तो नेगेटिव फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी फिल्म है। फिल्म कैसी लगी आपको? अच्छी मूवी है। क्या अलग लगा पिक्चर में बताए? अरे उसका जो महाभारत कॉन्सेप्ट है ना, वो अच्छा उसका, और जो फ्यूचर में बताया हुआ है ना, जो अपना और कलयुग का अंत होने वाला है, जो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट मुझे आता है। और एक एग का सीन था, जो लोग नॉनवेज खाते ना एक दिन वो सब खत्म हो जाएगा, उसके बारे में बताया था। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन का रोल तो यार एक नंबर है उसका। और अपने प्रभास भाई, उनका तो बात ही अलग है भाई। मतलब एक कॉन्सेप्ट बताया ना, जो कलयुग का अंत होने वाला है, जो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सब, वो करके कुछ मतलब ही नहीं है। इसका अंत एक दिन तो पूरा होने वाला है, जो कलयुग वो होता है उसमें, वो मैनेज कर कौन सा हुई है। कैसी लगी सर फिल्म? सर बहुत ऑसम है, बहुत पसंद आया। प्रभास कैसे लगे? प्रभास तो अच्छा रोल है उनका ही, भी पैसा वसूल उनका ही तो मेन रोल है। क्या क्या सीखा, क्या समझा आपने पिक्चर से? ये हमारे हिंदू धर्म के बारे में सब। ओके आप बताएं। कैसी लगी? अच्छी भाई, चलेगी पिक्चर। मैडम कैसी लगी फिल्म आपको? अच्छी। फिल्म पसंद आई? हाँ। हीरो कैसा लगा? प्रभास हीरो कैसी लगी? आंटी अच्छी लगी, बहुत मस्त। बच्चों के साथ देखने आई? हाँ। कुछ सिखाया आपने बच्चों को फिल्म देखते हुए? क्या सीखा? अभी देखते हैं, दूसरा पार्ट आएगा फिर सीखेंगे देखते। क्या बात है, एकदम जोरदार था, एकदम जोरदार।